उनके अनुभव का, उनके राजनीतिक जीवन का लाभ उठाने के लिए आज शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए मैं आया था। और मान की वर्तमान सरकार जिस प्रकार लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं और झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है, नौटंकी कर रही है, उन सब विषयों पे चर्चा हुई और किस प्रकार उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी पर भी टिप्पणी करते हुए पद की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, तो इन सब विषयों पे चर्चा हुई। और एक कैप्टन साहब को मैंने कहा है कि आप पार्टी के ऑफिस में आइए, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भी आप बुलाते हो मैं पार्टी ऑफिस में आता हूं और अपने काम में लगते हैं। जिलों में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, पार्टी जो भी कार्यक्रम बनाएगी मैं उसका हिस्सा बनूंगा। आपको लगता है उसके बाद जो कैप्टन साहब से आने के बाद बीजेपी पंजाब में थोड़ा और संगठन होगी? नहीं, स्वाभाविक है, स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, पंजाब के कितने अनेक दौर उन्होंने देखे हैं अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, और पंजाब को समझते हैं, पंजाब के मुद्दों को समझते हैं, तो स्वाभाविक है उनके आने से पार्टी को बल मिला है, ताकत मिली है, पार्टी और सुदृढ़ होगी। और ये जो वर्तमान सरकार है जिसने भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है और अब जनतक मुद्दों से भाग रही है, उनको घेरने में हमको और भी मदद मिलेगी। 27 को दोबारा बुला लिया है सेशन। मैं एक बात बता दूं, रास्ता ढूंढा है, दो मुद्दे उन्होंने जोड़े हैं, बिजली का और पराली का, इन दोनों पे वो चर्चा नहीं करेंगे। मैं आज ही आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि उनका एजेंडा अधूरा रह गया। उन्होंने उस पवित्र असेंबली के सदन का प्रयोग अपने आका केजरीवाल को खुश करने के लिए बीजेपी के ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किया था और लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पे रखकर किया था। इतिहास के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार हो वो ये कहे कि मैं विश्वास का मत हासिल करने जा रही हूं। जहां तो राज्यपाल जी को शंका होती है कि ये सरकार बहुमत में नहीं है, जहां विपक्ष बोलता है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, तो वो मता आता है। लेकिन केवल उसका दुरुपयोग करना था इन्होंने हाउस के फ्लोर का, और जो षड्यंत्र, जो नौटंकी, जो प्रपंच भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का था उसके लिए इस्तेमाल करना था। और आप देखना 27 को भी यही करेंगे, लेकिन हम पंजाब की जनता के जो मुद्दे हैं उसके प्रति सरकार की जवाबदेही को तय करेंगे। उसी के तहत कल हमने चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के घर की ओर मार्च किया था और इनको याद दिलाया था कि आज भ्रष्टाचार कितना, इस पे चर्चा करो। आज पंजाब के अंदर कानून की व्यवस्था इस प्रकार से है, जो कुछ जलंधर के अंदर हुआ, डीसीपी और इनके एमएलओ ने उनको गाली गलौज किया, बंधक बनाया, बाद में हफरा दफरी के अंदर कल शाम को कंप्रोमाइज हुआ, इनका कंप्रोमाइज तो हो गया, लेकिन जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पंजाब की जनता के लिए सुरक्षा के लिए है, इनके एमएलओ की गुंडागर्दी के आगे उनकी नहीं चल पा रही, उनको बंधक बनाया जा रहा है, तो पंजाब के अंदर सामान्य जनमानस कैसा अनुभव करता होगा, कैसे सुरक्षित होगा, उनके जानमाल की राखी कौन करेगा, इस मुद्दे पे सदन पे चर्चा करें।